ओके गाइस, तो मैं हूँ यहाँ पे गजानन, एक बहुत ही सुंदर कंपनी है, ठीक है, ओम गजानन पैकेजिंग पे। एंड ये लोग पैकेजिंग में डील करते हैं, सेम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो पैकेजिंग से रिलेटेड होता है। एंड मेरे साथ है मैम, एंड मैम से हम लोग जानेंगे प्रॉपर डिटेलिंग में कि कैसे वो लोग वर्क करते हैं। हाय मैम, या गुड डे मैम। संजीता, ओके मैम, आपकी जो कंपनी है वो बेसिकली किस किस चीज में डील करती है? उनका जो हम पैकेजिंग है, ओजीपी टेक जिस नाम से हम कंपनी चलाते हैं, वी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एलसीलर, टनल, चेम्बर, ऑटोमेटिक मशीन, और कुछ मशीन हम ट्रेड करते हैं जैसे ऑटो एलसीलर, वैक्यूम पैक, चेक वेस, श्रिंक पैकेजिंग एंड वर्टिकल फॉर्म पेंसिल, और हम बड़े प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं, जैसे फिलिंग लाइन्स के लिए भी हम काम करते हैं। ओके, तो हम कितनी पुरानी कंपनी है? 17 साल तो इंडिया में हो गई हमारी, हमारा एक ब्रांच दुबई में भी है। ओके, सत्रह सालों से हमारी मशीनें एक ही कंपनी में बार बार जाती हैं, तो ये बता सकती हूँ मैं कि क्वालिटी ऑफ हमारी मशीन इज हाईली रिकमेंडेड। वी हैव कंपनीज वेयर वी हैव गिवन 25 मशीन्स इन 35 रिपीटेडली। वाओ, तो मैम बेसिक इसका प्लान कहाँ पर है? पुणे में है। ओके, इंडिया में पुणे में है, पुणे के बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग भी पुणे में, एक ऑफिस पुणे में, नागपुर और हैदराबाद, और जैसे एक है अजमान। अच्छा अच्छा, और एक आपने दुबई बताया, दुबई वो अजमान, अच्छा वही ब्रांच है वहाँ पे ही है। ठीक है मैम, तो बेसिक मैम मैं देख पा रही हूँ काफी सारी ऐसी ह्यूज मशीन्स है, तो ये सामने वाली जो मशीन है वो किस लिए काम आती है? इसको हम वर्टिकल फॉर्म फिल सील बोलते हैं। हाँ जी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से, अच्छा ये प्रोडक्ट हमारा हो गया, कोई भी ग्रैनुअल प्रोडक्ट हो आपका, दाल चावल से लेके एक्स्ट्रा सूखी ग्रैनुअल चीज है, वो यहाँ से डालेंगे, हमने ये कैरी होके ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ये देखिए, ओके, अलग अलग हेड्स दिख रहे हैं। हाँ जी, और इस ये छोटे छोटे करके नीचे आती है। ओके, ओके मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि होने के बाद मैम ये आई हुई और ऐसे पैकेजिंग हो गए बलून पैक। हाँ हाँ, यहाँ ये पीएलसी है, इसमें हमने मेजरमेंट्स रखे हैं, 250 ग्राम, आधा किलो। अच्छा, ये भी 250 ग्राम लग रहा है मुझे। हाँ ये 250 ग्राम, ये जो प्लास्टिक अंदर दिख रही है, हाँ, ये पाउच, ये प्लास्टिक अंदर कॉलर में लगी रहती है, इसमें ये भरा जाता है। ओके, और ये पाउचेस ऑटोमेटिक सील हो जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो वो वाली मशीन का बता दिया मैम ने, इवन ये वाली मशीन किस लिए होती है? ये इसको वैक्यूम कहते हैं। नहीं, ये वैक्यूम नहीं, ये बैंड सीलर है। अच्छा, इसमें पॉलिथिन में आपने ये डाल के इस तरह से रखा, तो ये इसमें पैक हो जाती है, इसको अंदर से इंसर्ट किया, तो इसके साइज के हिसाब से ये पैक हो जाती है। ठीक है, बहुत सी हाउस वाइफ एंड लेडीज जो मसाले, पापड़ और ये सब बनाते हैं, ये खास उनके लिए है, क्योंकि जब आप हैंड सीलर से प्रेस करती है ना, उसमें फ्यूम्स निकलता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, और ये भी इतना अच्छा, इतना ब्रॉड नहीं पैकिंग होती उसकी, और वो गर्म होता है, हाथ जल जाते हैं सब। हाँ, इसमें फ्यूम्स नहीं है, तो आपको लाइफ के मतलब सांस की प्रॉब्लम ही ये कुछ नहीं हो सकता है, स्मेल भी नहीं आएगी, बहुत सॉलिड है, जिसकी वजह से ये है कि अपने आप फटेगा नहीं। ठीक है, ये हमारा वैक्यूम है, ये वैक्यूम वाला जो मैं देख रही थी, भर के यहाँ रख के आप इसको, ये ओ वाओ, वो वैक्यूम सील होके ये आ जाओ, तो बस ये इसको एक बार ही प्रेस करना और वैक्यूम हो जाएगा। जो मशीन वो वैक्यूम पैक करती है, और ये इन्होंने जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, अब इसके बाद सीधा डायरेक्टली जो है इसमें ये अभी सील होगी, सील होगी। अच्छा, यहाँ पे ही सील हो जाती है, ये अच्छा है कि इसके लिए दो दो, हाँ दो दो नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही में हो जाएगा, ये अच्छा है चीज। ठीक है, पहले एयर ग्लो करता है वो, ठीक है, पूरा एयर सेट कर लेता है, ओके, जिससे प्रोडक्ट मॉइस्चर्स वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से पूरा मॉइस्चर जो है वो सोक कर लेता है, एंड उसको जो प्रेशर से हम लोग इसको सील पैक कर देते हैं, ताकि जो भी मटेरियल पैक हुआ है वो एज इट इज रहे। आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स या और है, वो सील पैक्ड रहे, तो दैट इज वेरी कूल, है ना। तो इस मशीन में ये पैकिंग भी होता है और सब कुछ होता है। ये अराउंड कितने का आता है मैम, ये वाला जो है? ये 95,000 के अराउंड उसमें पड़ जाते हैं। ठीक है मैम, इसका छोटा वर्जन भी आता है। अच्छा, जो कि टेबल टॉप पे है, वो आपको 50-60 के बीच में। अच्छा, वो उसमें आ जाएगा। ओके मैम, ये आप 10 साल तक सेम मशीन यूज कर सकते हैं, देयर बी नो इश्यू, आरओआई बहुत आसानी से मिल जाता है। सो इनके पास ये रैपिंग मशीन भी है जो रैप कर देती है। सो ये वाली जो मशीन है ना, इसमें भी इस तरीके से पैकिंग की जाती है,
बिल्कुल ही जो है ना परफेक्ट पैकिंग, जो हिलता भी नहीं है सामान, वैसी वाली पैकिंग अगर आपने देखी हो, 5-7 पीसों की पैकिंग होती है जो 6 पीसों की वो की जाती है, तो ये इसमें रख दिया जाता है, इसे रोल किया जाता है और इसको फिर प्रेस कर दिया ओके होता है और फिर ये ऐसा सेम हाँ जैसे वो वैक्यूम है, हाँ जी हाँ जी, वैसी ही पैकिंग है जो इस पे हो जाएगी। इसे बड़े छोटे करके आप जितना मर्जी जो है वो पैकिंग कर सकते हो, ये वाली जो मशीन है उसके थ्रू मल्टीपल। सो जो मशीन अभी आपने वहाँ पर देखी ना, उसी का जो अगर बड़ा वाला हमें वर्जन चाहिए तो वो ये वाली मशीन जो है उसमें काम करती है। बड़ी बड़े स्केल पर जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं उसको इस तरीके से पैक किया जाता है यहाँ पर। सो मैम का जो है कार्ड मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ, मैम का कार्ड आप मैम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी जो इस तरीके की मशीन्स एंड प्लांट्स हैं वो लगाने हों तो आप मैम से डायरेक्टली कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।